गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ शेफ अमन। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी दम आलू। इसके लिए हमें चाहिए 12 टू 15 नंबर्स बेबी पोटैटो, इसको हमने पील करके फॉर्क की हेल्प से इसके अंदर होल्स किए हैं। 1/3 कप कर्ड, क्लोव 3 नंबर, चॉप्ड जिंजर 1 टीस्पून, सिनेमन 1/2 इंच, फेनल सीड्स 1 टीस्पून, ग्रीन कार्डेमम 3 नंबर, ब्लैक कार्डेमम 1 नंबर, ब्लैक होल पेपर 5 to 7 नंबर, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी देगी मिर्च 2 टीस्पून, किचन किंग 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून एंड सॉल्ट टू टेस्ट। हम एक कढ़ाई में तेल गरम करके अपने बेबी पोटैटोस को डीप फ्राई करेंगे। पांच से सात मिनट बाद पोटैटोस के हल्के ब्राउन होने पर हम इसे ड्रेन करेंगे और थोड़ा ठंडे होने देंगे। इसकी ग्रेवी रेडी करने के लिए हम कर्ड में देगी मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, किचन किंग एंड जीरा पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी रेडी होने के बाद हम एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। इसमें जिंजर, क्लोव और अपने सभी खड़े मसाला को ऐड करके हल्का सा फ्राई करेंगे। खड़े मसाले भूनने के बाद हम अपनी तैयार प्यूरी को धीमी आंच पर इसमें ऐड करेंगे। और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि दही फटे ना। अब इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, गरम मसाला। जब तक ग्रेवी पक रही है हम अपने बेबी पोटैटोस को एक बार दोबारा डीप फ्राई करेंगे। ग्रेवी में हम फेनल सीड्स ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पोटैटोस के गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसे ऑयल में से ड्रेन करेंगे और अपनी रेडी ग्रेवी के अंदर इसे मिक्स करेंगे। दस मिनट पकने के बाद हम इसे गर्मा गर्म एक बाउल में प्लेस करेंगे। एंड गार्निशिंग के लिए ऊपर से ग्रीन कोरिएंडर लीव्स डालकर हॉट सर्व करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल RP IIT Academics। थैंक यू।